हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पॉलिटी सीरीज, जहां हम पढ़ रहे थे क्लास 6 टू क्लास 12 तक की एनसीईआरटी सीरीज में. हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट किया था क्लास 10th की एनसीईआरटी को, और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1, दैट इज पावर शेयरिंग, जिसमें हमने देखा था कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, जहाँ पे बेल्जियम और श्रीलंका की एग्जाम्पल से हमने जाना था कि अगर गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी लानी हो, कन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करना हो, तो पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. साथ ही हमने देखा था कि मॉडर्न कंट्रीज में जो वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्टिकल पावर शेयरिंग है, दैट इज द मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. वर्टिकल पावर शेयरिंग दैट इज फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, इस हिसाब से जो पावर शेयरिंग होती है, दैट इज द मेजर फीचर ऑफ मॉडर्न कंट्रीज. और दिस वर्टिकल पावर शेयरिंग को ही कहा जाता है फेडरलिज्म. आज इस चैप्टर में हम इस कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है, किस तरह से ये अचीव किया जाता है, और क्या इसका मतलब है, क्या इसके मेन फीचर्स है. सो फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं, उससे पहले हमें ये जानना है कि यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है. यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जहां पे सिर्फ वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, एंड दैट टू इज द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, एक ही फॉर्म की गवर्नमेंट है और उसी के पास सभी पावर है. अगर स्टेट गवर्नमेंट है भी, तो भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट है. सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें डायरेक्ट कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है, उन्हें बना सकती है, उन्हें तोड़ सकती है. तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक ही फॉर्म की गवर्नमेंट होती है और उसी के पास पूरी पावर होती है गवर्नमेंट को चलाने की. वेयर एज फेडरलिज्म स्टैंड्स फॉर कि फेडरलिज्म में जो पावर है, दैट इज डिवाइडेड बिटवीन, पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, वो डिवाइडेड होती है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. यूनिटरी में एक ही फॉर्म की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, मेन है. अगर स्टेट गवर्नमेंट होगी भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हुई भी, स्टेट कह लीजिए या प्रोविंसेस कह लीजिए, जो भी पार्ट्स बन के एक कंट्री बनती है, एक मेन पोर्शन बनती है, उसमें उसकी भी गवर्नमेंट्स होंगी, लेकिन वो सबॉर्डिनेट होंगी, उनके पास अपनी इंडिविजुअल पावर नहीं होगी. लेकिन फेडरलिज्म का क्या मतलब है कि वहां पर जो पावर है वो डिवाइडेड होगी, किस किस के बीच में, एक सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में जो पूरी कंट्री को गवर्न कर रही है, साथ ही उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, वो कंट्री जिन स्टेट्स को, जिन प्रोविंसेस को मिला के बनी है, उनके बीच में. सो देयर विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट. सो दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म. और इन दोनों की जो पावर होगी, सेंट्रल अथॉरिटी की और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट की, वो दैट विल बी इंडिपेंडेंट. सेंट्रल अथॉरिटी की और कॉन्स्टिट्यूएंट की जो पावर है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, उनकी पावर जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होगी, वो एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते. सो दैट इज फेडरलिज्म. और फेडरलिज्म के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जो उसको यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डिफरेंट करते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल जो गवर्नमेंट के लेवल है, गवर्नमेंट का जो लेवल है वो दो या दो से ज्यादा होगा, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगा. जैसे हमने देखा कि फेडरलिज्म का क्या मतलब है कि जो पावर है वो सेंट्रल अथॉरिटी जो पूरे देश को चला रही है, और वो देश जिन पार्ट्स को मिला के बना है, स्टेट्स को मिला के बना है, प्रोविंसेस को मिला के बना है, उनके बीच में पावर की शेयरिंग होगी. और पावर जो होगी वो एक दूसरे को कंट्रोल करने की नहीं होगी, उनकी इंडिपेंडेंट पावर होगी. यही एक फीचर है फेडरलिज्म का, दैट इज जो पावर, जो गवर्नमेंट है, दैट इज एट अ लेवल ऑफ टू और मोर लेवल. ठीक है, और जो टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे, उनका ज्यूरिसडिक्शन जो है वो भी अलग होगा. उनका जो होगा सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन होगा. सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब जिस एरिया में उनका कंट्रोल है, जहां तक वो कानून बना सकते हैं, वो डिफरेंट होगा.
ठीक है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसका कानून सिर्फ स्टेट के बॉर्डर तक ही लिमिटेड होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसका पावर जो है कंप्लीट सेंटर, कंप्लीट कंट्री में जो है लागू होता है। तो इन सब का जो ज्यूरिसडिक्शन होगा, जो कानून बनाने के जो पावर है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। और इनकी जो पावर होगी दैट विल बी स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अपनी मर्जी से ये पावर नहीं ड्राइव करेंगे। जो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है देश का, जो संविधान है देश का, जहां पे सभी रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन है, वहीं पे मेंशन होगा इनका पावर कि सेंट्रल अथॉरिटी के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास कितनी कितनी पावर होगी, या कॉन्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होगी, कितनी उनकी ज्यूरिसडिक्शन होगी, कहां कहां तक वो अपने कानून बना सकते हैं। और साथ ही ये जो प्रोविजंस मेंशन होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यूनिलेटरली चेंज नहीं किए जा सकते। Cannot change unilaterally. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल अथॉरिटी के पास कितनी पावर होगी, किस किस सब्जेक्ट पे वो कानून बना सकता है, कहाँ कहाँ तक उसका जो पावर है वो एक्सटेंड करती है, या प्रोविंसेस की क्या पावर है, कॉन्स्टिट्यूएंट की क्या पावर है, इसे बदला नहीं जा सकता। सेंट्रल अथॉरिटी अपनी पावर बढ़ा दे बिना प्रोविंसेस को पूछे, प्रोविंसेस की पावर को घटा दे अपनी मर्जी से यूनिलेटरली, कि सेंटर अकेले या प्रोविंसेस अकेले, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन इन पावर को चेंज नहीं कर सकती। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस मेंशन है पावर शेयरिंग को लेके, उसे बदलना है तो दोनों की रजामंदी, दोनों का अप्रूवल जरूरी होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज का भी और सेंट्रल अथॉरिटी का भी, ठीक है, ताकि जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। और जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी जो इंटरप्रिटेशन की पावर है दैट इज विद द कोर्ट्स, कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रोविजन से क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बार ऐसी टर्म्स होती है, लीगल टर्म्स होती है, फॉर्मल टर्म्स होती है, जिसकी इंटरप्रिटेशन सब हर पर्सन अलग तरह से इंटरप्रेट करता है, तो हर पर्सन उसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट तरीके से निकालता है। तो फाइनल इंटरप्रिटेशन क्या होगी, कि ये कहा जाए कि इसका जो मतलब है दैट इज फुल एंड फाइनल, वो कौन फाइनल ये बताएगा, दैट इज विद द कोर्ट, वो सेंट्रल अथॉरिटी के पास नहीं है, क्योंकि अगर सेंट्रल अथॉरिटी के पास होगा तो वो हर प्रोविजन को इस तरह से इंटरप्रेट करे कि उनको बेनिफिट होगा, और अगर प्रोविंसेस के पास ये पावर हो तो प्रोविंसेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हर प्रोविजन को, हर लॉ को, हर कानून को इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि उनका बेनिफिट ज्यादा हो। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए जो फाइनल इंटरप्रिटेशन है उसकी पावर इज विद द कोर्ट। दीज आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। सो जो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है, जो पावर को डिवाइड करने का फिनोमिना है बिटवीन द सेंटर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी, उसका मेन मकसद है कि कंट्री में यूनिटी को बनाए रखें, साथ साथ कंट्री की जो डाइवर्सिटी है उसे अकोमोडेट कर सके। देखिए, जो जितने भी फीचर अभी बताए गए हैं कि सबके पास अपनी सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन है, कोई भी और ये जो पावर है ये दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव कर रहे हैं, तो आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि देश का जो एकता जो है वो मेंटेन रहेगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस हैं पावर से रिलेटेड, उन्हें यूनिलेटरली चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल अथॉरिटी का जब मन करेगा वो इन प्रोविजंस को बदल देगी और प्रोविंसेस की पावर को खत्म कर देगी, ऐसा नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो इससे क्या होगा, इससे जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसे भी अकोमोडेट किया जा रहा है। देश में जो विभिन्नता पाई जा रही है, जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी, उन्हें भी अकोमोडेट किया जा रहा है, क्योंकि प्रोविंसेस के थ्रू उन्हें इनडायरेक्ट वे में पावर मिल रही है ना। सेंटर में तो वही अथॉरिटी आएगी ना जो मेजॉरिटी है, जो देश में मेजॉरिटी है वही सेंट्रल अथॉरिटी होगी। तो देश में जो माइनॉरिटीज हैं, जो कम जनसंख्या में है, रिलीजन से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड जो डाइवर्सिटी है, उन्हें कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, उन्हें कैसे प्रोटेक्शन मिलेगी? उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है बाय द वे ऑफ फेडरलिज्म, जब उन्हें भी पावर दी जाती है, जब प्रोविंसेस को पावर देते हैं, तो प्रोविंसेस में जो चुनके आएंगे लीडर्स वो माइनॉरिटीज द्वारा भी चुने गए होंगे,
ठीक है। तो जो फेडरलिज्म है उसका मेन मकसद यही है कि एक तो देश में एकता बनाई रखी जा सके और साथ ही रीजनल डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट किया जा सके। सो दीज आर द बेसिक फाइव फीचर ऑफ फेडरलिज्म। और ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में भी पूछी जाती है, स्टेट सिविल सर्विसेज में भी और यूपीएससी में भी फेडरलिज्म पूछा गया है। तो फेडरलिज्म का क्या मतलब, और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत जब आप पढ़ेंगे, फेडरलिज्म का बहुत बार यूज हुआ है। तो इस कंसेप्ट को आई होप आप क्लियर हो गया होगा कि फेडरलिज्म क्या है, क्या मतलब है उसका और उसके क्या फीचर्स है, ठीक है। तो जब पावर वर्टिकली डिवाइड होती है दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म, एक सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स के बीच, ठीक है। और यही सब उसके फीचर्स है, क्लियर। अब अगर जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो जब इन फीचर्स की बात की जाती है तो इससे दो तरीके के जो फेडरलिज्म है वो निकलते हैं। पहला तो एक कंट्री जो बनी हो जब इंडिविजुअल पार्ट्स मिलकर उस कंट्री को बनाए, ठीक है, दे कम टुगेदर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, फॉर्म द सेंटर, ठीक है, और ये कंट्री बनाते हैं, जैसा कि यूएस में हुआ है। यूएसए में जो भी इंडिविजुअल कंट्रीज हैं वो आपस में मिलकर उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को बनाया है, तो दिस इज कॉल्ड अ फेडरेशन, जहां पे इंडिविजुअल स्टेट जो है, इंडिविजुअल कहें या इंडिपेंडेंट इज अ बेटर टर्म, इंडिविजुअल से ज्यादा बेटर टर्म होगी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट पार्ट्स और इंडिपेंडेंट स्टेट्स साथ आती हैं और मिलकर एक कंट्री का निर्माण करती हैं, दैट इज कॉल्ड अ कंट्री विच इज एन एग्जांपल ऑफ यूएसए। तो ये ऐसी फेडरेशन है जहां पर जो स्टेट है वो अपनी जो सॉवरेनिटी है उसे, अभी उनके पास वो सॉवरेनिटी, जो इंडिपेंडेंट काम करने की उनकी पावर है वो उनके साथ है, दे रिटेन देयर सॉवरेनिटी। आप यूएसए का एग्जाम्पल ले तो वहां पे जो भी कंट्रीज हैं वो उनके पास अपनी इंडिविजुअल पावर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वो आंसरेबल नहीं है, ठीक है, उनके इंडिविजुअल, उनके पास पावर है अपनी इंडिविजुअल स्टेट से रिलेटेड फैसले लेने की, ठीक है। सेकंड रूट क्या है, जहां पर पावर जो है स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट में डिवाइड की जाती है, ठीक है, दिस इज द वन फॉर्म ऑफ फेडरेशन। सेकेंड फॉर्म ऑफ फेडरेशन इज कि जहां पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है या फिर कंट्री डिसाइड करती है, कंट्री जो है डिसाइड करती है टू डिवाइड पावर बिटवीन सेंटर एंड इट्स पार्ट्स एंड स्टेट्स आप बोल दें या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स बोल दें। यहां पे कंट्री जो है खुद जो है पावर है डिवाइड कर रही है अपने पार्ट्स के, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स के बीच में। यहां पे क्या है कि कंट्री बनी ही तब है जब इंडिपेंडेंट पार्ट्स आके मिले हैं, जहां पे कंट्री की पहले एग्जिस्टेंस है उसके पार्ट्स के बाद में, कंट्री से उसके पार्ट्स बने हैं और यहां पे पार्ट्स से वो कंट्री बनी है। फेडरेशन दोनों जगह पर है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, फेडरेशन दोनों जगह पर है, बट यूएसए में क्या है कि इंडिविजुअल कंट्रीज थी वो आपस में मिली एंड दे डिसाइडेड टू फॉर्म अ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, टू बिकम अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बट इंडिया के कंटेक्स्ट में, स्पेन के कंटेक्स्ट में ऐसा नहीं है, वहां पे कंट्री की प्री एग्जिस्टेंस है और कंट्री लेटर ऑन फेडरेशन को अडॉप्ट करने के लिए, डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए पावर को डिवाइड करती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में। तो दिस इज अ अदर फॉर्म ऑफ फेडरेशन, दोनों ही फेडरेशन है, पावर शेयरिंग दोनों जगह पर है, पर अमाउंट ऑफ पावर शेयरिंग, अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस दोनों में डिफरेंट है। यूएस की बात करें तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के पास मोर इंडिपेंडेंस है, मोर पावर है, दे आर मोर सोवरियन। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की पूरी कंट्री सोवरियन है बट स्टेट कंट्री से अलग नहीं हो सकती, क्लियर है। सो फेडरेशन, इसीलिए हमारे देश की फेडरेशन को ना क्वासी फेडरल कहा जाता है। इसका क्या मतलब है ये मैं भी आगे हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, पर यहां तक आपको क्लियर हुआ कि फेडरलिज्म भी दो टाइप का होता है, पहला जहां पे इंडिपेंडेंट पार्ट्स आके मिलके एक कंट्री कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एंड सेकेंड इन विच अ कंट्री डिवाइड इट्स पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, क्लियर।
ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. हमारे देश में फेडरलिज्म को फॉलो किया जा सकता है, इसका क्या प्रूफ है, और हमारी देश जो है एक फेडरल कंट्री है, इसका क्या प्रूफ है. तो आप देखिए, हमारे देश में 3 tier ऑफ गवर्नमेंट है. सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार जो सेंटर पे काम करती है. फिर इंडिविजुअल स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में. सो दो और थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ जाती है, पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आ जाती है, ठीक है. और कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के 7th schedule की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन के 7th schedule में ना लिस्ट मेंशन है. लिस्ट क्या है? उस लिस्ट के 3 parts है. एक है यूनियन, एक है स्टेट, और एक है रेजिडरी, सॉरी कॉन्ग्रेंट. यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है, जितने भी टॉपिक्स मेंशन है, उससे रिलेटेड कानून बनाने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. और यूनियन लिस्ट में कैसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे हैं, लाइक डिफेंस हो गया. यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है. और सब्जेक्ट्स कैसे होंगे, लाइक डिफेंस, कम्युनिकेशन, एंड जिसमें पूरे देश का जो है इंपैक्ट जो है वो पूरे देश में करते हैं, फॉरेन अफेयर्स. तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो यूनियन लिस्ट में मेंशन है, और इस पे कानून बनाने का जो हक है वो केंद्रीय सरकार को. सेकंड लिस्ट आती है स्टेट लिस्ट, जिसमें जो भी सब्जेक्ट मेंशन है उनको स्टेट गवर्नमेंट उस पर कानून बनाती है. और इस पे किस तरह के सब्जेक्ट मेंशन है, जैसे पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब, ठीक है, जो इंडिविजुअल स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दीज आर द 2 lists, यूनियन लिस्ट एंड द स्टेट लिस्ट. थर्ड आती है कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन हैं उस पे जो कानून बनाने का हक है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास है, ठीक है. जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी आते हैं, सेंटर में भी, तो दोनों उस पर कानून बना सकती है. एजुकेशन से रिलेटेड बना सकते हैं, मैरिज हो गया. सो यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है उस पर कानून बनाने का जो हक है दैट इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट मेंशन है उस पर कानून बनाने का हक इज विद स्टेट गवर्नमेंट. और कॉन्करेंट लिस्ट में इन दोनों के पास होता है. इसके बाद कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो इन तीनों लिस्ट में मेंशन ना होता है. चेंजेस जैसे जैसे टाइम में चेंज आता है, नए नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, नई नई प्रॉब्लम्स इश्यूज क्रिएट होते हैं. अब पहले पॉल्यूशन का इतना इश्यू नहीं था, अब पॉल्यूशन का इश्यू आ गया है, सस्टेनेबिलिटी एक हमारा मेन मुद्दा बन गया है. तो ये सब चीज़ें जो है, जो नए नए इश्यूज आते हैं, नए नए सब्जेक्ट्स आते हैं, उस पर कानून बनाने का हक किसके पास है. तो ये जो नए टॉपिक्स आते हैं जो कहीं पे भी मेंशन नहीं है वो आते हैं रेजिडरी लिस्ट में. रेजिडरी लिस्ट में आते हैं ये, और इनके इन पर कानून बनाने का जो हक है दैट इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, सो स्टेट, सेंट्रल, स्टेट, कॉन्ग्रेंट एंड रेजिडरी. सो इनमें इससे रिलेटेड जो कानून बनाने का हक है दैट इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो हम अगर अपने देश की बात करें तो हमारे देश जो है इट इज कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्टेट यूटीज. सिर्फ हमारे देश में सिर्फ स्टेट्स ही नहीं मिलती है, वहां पे यूनियन टेरिटरीज भी हैं, और यूनियन टेरिटरीज के जो गवर्नेंस है दैट इज टोटली डिफरेंट. कुछ में लेजिस्लेचर है, जैसे आप देखें कहीं पर इलेक्शंस होती हैं, मिनिस्टर्स चुने जाते हैं, जैसे पुडुचेरी में हो गया, और जम्मू एंड कश्मीर अब हमारी यूनियन टेरिटरी बन गई है, वहाँ पर लेजिस्लेचर है. बाकी यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेचर ही नहीं है, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है प्रेजिडेंट के थ्रू, और वो वहाँ जाके गवर्न करता है. बाकी हमारी स्टेट्स हैं, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी, बाकी हमारी स्टेट्स हैं जहाँ पर लेजिस्लेचर होते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट होती है और लोगों द्वारा चुनी जाती है डेमोक्रेटिक वे से, एंड दे गवर्न. ठीक है, सो अगर इंडिया की बात करें तो कंट्री में फेडरलिज्म है, तो ये इन चीज़ों से प्रूफ होता है कि 7th schedule में जो लिस्ट मेंशन है वहाँ पे सबके पास अलग अलग पावर है. तो फेडरलिज्म का जो हमने पहला फीचर पढ़ा था,
फेडरलिज्म का पहला फीचर पढ़ा था कि द लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज टू और मोर, तो वो हमने देखा कि हाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट है एक स्टेट गवर्नमेंट है, तो दो से ज्यादा लेवल है, और एक तीसरी हमारी लोकल सेल गवर्नमेंट भी है, तो फेडरलिज्म तो है। सेकंड हमने इसमें पढ़ा था कि जो भी स्पेसिफाइड होगा, जो भी उनकी पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल में ही लिस्ट मेंशन है, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्ग्रेंट लिस्ट आती है, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है कि अलग 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 एरियाज है जहां पे वो कानून बना सकते हैं, ठीक है। सो इन दोनों तरीके से कंट्री इंडिया जो है दैट कम्स अंडर फेडरेशन। साथ ही एक और फीचर है कि अगर ये जो लिस्ट बनाई गई है, सेंट्रल लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, अगर इन यूनियन लिस्ट से कोई सब्जेक्ट हटाकर हटाना हो, या स्टेट लिस्ट से कोई सब्जेक्ट हटाना हो, यूनियन लिस्ट में लाना हो, स्टेट लिस्ट मैंने बताया ना उसमें वो सब सब्जेक्ट है जिसपे राज्य सरकार कानून बना सकती है। अब जैसे स्टेट लिस्ट में सपोज एक सब्जेक्ट मेंशन है एग्रीकल्चर का, ठीक है, अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहे, केंद्र सरकार ये चाहे कि एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट है उसे स्टेट गवर्नमेंट से हटा के, स्टेट लिस्ट से हटाकर सेंट्रल लिस्ट में ले आया जाए, ठीक है, फॉर दैट मैटर, हाँ एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट है उसे स्टेट लिस्ट से हटा दिया जाए और यूनियन लिस्ट में ला दिया जाए। तो फेडरेशन के फीचर में हमने क्या पढ़ा कि अगर पावर में चेंजेस लाने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में चेंजेस लाने हैं, तो यूनिलेटरली नहीं लाए जा सकते, केंद्र सरकार सिर्फ या राज्य सरकार सिर्फ अकेले वो नहीं ला सकती। सिमिलरली हमारे देश में भी अगर सब्जेक्ट्स को चेंज करना है लिस्ट में से, तो पहला तो वो दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए, पहले तो इट शुड बी passed by both the house, both house कौन से, राज्यसभा और लोकसभा, उन दोनों से पहले तो ये house होना चाहिए, कैसे, 2/3 majority से। ये मैंने पहले भी आपको explain किया था कि जितने लोग present हैं उसका 2/3, ठीक है। साथ ही ये ratified होना चाहिए, ratified मतलब approved, रेटिफाइड होना चाहिए एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की कोई पावर कम करना चाह रहे हैं, स्टेट लिस्ट से कोई सब्जेक्ट हटाना चाह रहे हैं, यूनियन लिस्ट में लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पहले तो दोनों हाउसेस से वो पास होना चाहिए। और राज्यसभा में हमने देखा कि मोस्टली जो है वहां पे रिप्रेजेंटेशन स्टेट को मिलती है, साथ ही दोनों हाउसेस से पास होने के बाद कम से कम हाफ ऑफ स्टेट्स, जितनी भी स्टेट्स कंट्री में हैं उसमें से आधी स्टेट उस चेंज के लिए अपना असेंट देना चाहिए, उन्हें अप्रूवल देना चाहिए, रेटिफाइड होना चाहिए। तो इससे क्लियर होता है कि यूनिलेटरली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। साथ ही इसमें जो फेडरेशन का एक और पॉइंट जो दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनल इंटरप्रेटर होगा वो कोर्ट होगा, सिमिलरली इंडिया में भी जब कभी सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई कन्फ्लिक्ट होता है, जैसे रिसेंटली 370 आर्टिकल अबॉलिश किया गया जम्मू एंड कश्मीर में, तो उस टाइम पे केस की हियरिंग, केस की फाइनल कि ये जो एबॉलिशमेंट है ये सही है, लीगल है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली ये वैलिड है कि नहीं है, इसका फाइनल डिसीजन लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो जुडिशरी ने ही इंटरप्रेट किया फाइनल। तो फेडरेशन के जितने भी फीचर हैं वो हमारे देश में लागू होते हैं, लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंटर है, स्टेट है। लेटर ऑन 1992 में 73 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी लाई गई, जिसको कहते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही पावर डिराइव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है लिस्ट का, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन है उन्हें यूनिलेटरली चेंज भी नहीं कर सकते, और जो इंटरप्रिटेशन है वो भी सेपरेट है, वो भी जो है कोर्ट के थ्रू होती है, ठीक है। फाइनेंसिस जो है दैट इज ऑल्सो सेपरेट, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे देश में ये तो क्लियर हुआ कि इंडिया इज अ फेडरेशन, बट दिस फेडरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द फेडरेशन ऑफ यूएसए
वो हमने देख लिया, क्योंकि हमारे देश में जो अगर आप कहें सेंटर जो है, सेंटर इज कंपेरेटिवली स्ट्रांग। कैसे है स्ट्रांग? जैसे मैंने बात की कि जो रेजिडरी पावर्स है, जो सब्जेक्ट मेंशन नहीं है कहीं पे भी, उन पे कानून बनाने का हक जो है सेंटर का ही है। और जब आप फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस का भी जो मेजर कंट्रोल है दैट इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, फाइनेंसिस का जो कंट्रोल आता है। साथ ही अगर आप कहें कि स्टेट को जो चेंज करना है, जो भी हम पढ़ेंगे, अभी तक बहुत सारी स्टेट्स के बॉर्डर्स को चेंज किया गया, छत्तीसगढ़ बनाया गया, झारखंड बनाया गया बिहार से काट के, उत्तराखंड बनाया गया यूपी से काट के, छत्तीसगढ़ बनाया गया एमपी से हटा के, ठीक है, आंध्र प्रदेश अरुणाचल आंध्र प्रदेश से हटा के तेलंगाना बनाया गया, ठीक है। सो स्टेट्स के बॉर्डर्स को चेंज किया गया, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को यूटी बना दिया गया। सो ये सब किसने किया? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। तो स्टेट जो है कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट हैं, ऑल्दो उनके पास अपनी इंडिविजुअल पावर है, लेकिन स्टिल दे सबॉर्डिनेट। उनके बॉर्डर चेंज करना, नाम चेंज करना, बट यूएस में ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारा जो फेडरेशन है दैट इज सॉर्ट ऑफ क्वासी फेडरेशन, कि फेडरेशन तो है बट फुल प्रूफ फेडरेशन नहीं है। स्टेट जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सेंटर के सबॉर्डिनेट आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की। उनके पास पावर है बट एज कंपेयर टू सेंटर दे हैव लेस पावर। हमारे देश में फेडरेशन को कैसे प्रैक्टिस किया गया है? तो सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाई गई लैंग्वेज के बेस पे। जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे बहुत डिमांड हुई कि लैंग्वेज के बेस पे जो स्टेट्स है बनाई जाए, क्योंकि हिंदी बोलने वाले लोग अराउंड 40% थे। तो साउदर्न पोर्शन में जो सेपरेट लैंग्वेजेस होती थी उनके बेस पे डिमांड थी कि जो स्टेट्स हैं उन्हें कार्व आउट किया जाए। उस टाइम के लीडर्स को ऐसा लगता था कि अगर लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को बना दिया गया तो स्टेट जो है, जो देश है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। बट हमने जो अभी तक देखा है ऐसा नहीं हुआ है। हमारी हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो स्टेट्स बनाने से स्टेट्स की डेवलपमेंट बढ़ी ही है, डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है। अगर आप लैंग्वेज की भी बात करें तो हमारे देश में ऑफिशियल लैंग्वेज जो है स्टिल, हमारे देश में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है, बट साथ ही 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं हमारे देश में। कहने का मतलब कि हिंदी के साथ साथ 22 ऐसी एक लैंग्वेजेस हैं जिस पे ऑफिशियल काम होता है। अगर आप कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम देना चाहते हैं, यूपीएससी में भी दीज 22 शेड्यूल लैंग्वेज आप ऑप्शन चुन सकते हैं, ठीक है। साथ ही साउदर्न स्टेट्स की ये डिमांड रही कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह रहने दिया जाए। ऑल्दो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम हिंदी को प्रमोट करने का काम करती है, लेकिन फिर भी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश भी अभी तक चलती आ रही है, क्योंकि जो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक जो आइडल था दैट इज टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी। कहीं पर भी माइनॉरिटीज़ को ये ना लगे कि उनकी राइट्स को छीना जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, ठीक है। तो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को बनाया गया, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी रखी गई, स्टिल 22 ऐसी लैंग्वेज है जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और जहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह जो अपनाई गई है, ठीक है। सेंटर और स्टेट रिलेशन की बात करें तो सेंटर स्टेट रिलेशन टाइम टाइम के साथ बदलते रहे हैं। इट हैज बीन चेंजेस। जब तक तो सेंटर और स्टेट में सिमिलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें, 1950 के बाद की बात करें, तो तब तक तो मेजर पार्टी सिंगल ही रहती थी और मोस्टली ऐसा होता था कि जो सेंटर में पार्टी रूल कर रही है वही स्टेट में पार्टी रूल कर रही है। तो सेंटर और स्टेट की कम्युनिकेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रही, तो सेंटर और स्टेट साथ काम करती रही। बट लेटर ऑन धीरे धीरे जैसे ही आप एक तरह से कहें स्टेट पार्टीज फोरफ्रंट में आने लगी, स्टेट पार्टीज बनने लगी, उसके साथ साथ ही समय आया कोलिशन गवर्नमेंट का। कोलिशन गवर्नमेंट मींस जब सेंटर और स्टेट में डिफरेंट गवर्नमेंट होने लगी, सेंटर में अलग गवर्नमेंट है और स्टेट में अलग है, सेंटर में अलग पार्टी रूल कर रही है। फॉर दैट मैटर से कि अगर सेंटर में एक पर्टिकुलर पार्टी है और स्टेट में उसकी ओपोजिशन पार्टी जीती है, तो पॉलिटिकल पार्टी हमेशा ये कोशिश करती थी कि उसका कंट्रोल स्टेट पे बना रहे। इसके लिए वो स्टेट की पावर को कम कर देती थी, उन पे एमरजेंसी के प्रोविजंस को ला देती थी, जैसे 1970s में देखा गया, अपनी पावर्स का मिसयूज करने लगे। लेटर ऑन किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली और टाइम आया कोलिशन गवर्नमेंट का। कोलिशन गवर्नमेंट जब बहुत सी पार्टी मिलके अपना सपोर्ट एक पार्टी को देती हैं और वो गवर्नमेंट बनाती है,
ऐसी कंडीशन में कोई सिंगल पार्टी अपनी मर्जी से गवर्न नहीं कर सकती, और इस टाइम पे स्टेट पार्टीज जो हैं वो फोरफ्रंट में आई और वो अपने जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कराने लगी। सो कोलिशन गवर्नमेंट का जो एरा था उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा आप एक तरह से स्ट्रेंथन हो गई थी, और इस तरह से वो जो है फोर्स करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट को उनके बेनिफिट के लिए डिसीजन लेने में। लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट से ये इंश्योर किया कि कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार अपनी पावर का मिसयूज़ करके स्टेट गवर्नमेंट की पावर को कम ना करे। जैसा कि बताया गया है कि फेडरेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है वो ये होता है कि जो कोर्ट हैं वही फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, वही ये फाइनल डिसाइड करते हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके काम ना करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट में ये क्लियर किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज़ करके स्टेट की पावर्स को ख़त्म नहीं कर सकती, उनकी पावर्स को वायलेट नहीं कर सकती। सो दिस लीड टू अ मोर अटोनमी टू द स्टेट गवर्नमेंट। इससे जो राज्य सरकारें थी उन्हें थोड़ी और आज़ादी मिली, सब और फ्रीडम के साथ काम करने की उनको मौका मिला। नेक्स्ट कम द डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, जिसमें बात की जाती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारा देश का संविधान बना, उस टाइम पे सिर्फ फेडरेशन को कहा जाए तो पावर शेयरिंग थी दो लेवल पे, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर। लेटर ऑन बाय द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को। ऑल दो पंचायत हमारे देश में बहुत पहले से ही लागू थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में उनका मेंशन नहीं था। जब उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिल गई तो ये मैंडेटरी कर दिया गया कि हर एक विलेज में कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हर एक विलेज में पंचायत होगी, उनकी इलेक्शन हर 5 साल बाद कंडक्ट कराई जाएगी, और हर 18 साल का अबव का पर्सन जो है वो उनके लिए वोट कर सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करने के बाद बहुत सारे प्रोविजन ऐड किए गए, जैसे 1/3 जो है सीट्स जो है वो रिजर्व रखी गई फॉर द विमेन। जितनी भी सीट्स फुलफिल जितनी भी सीट फिल होनी है पंचायत में, उसमें जो 1/3 सीट्स हैं वो विमेन के लिए रिजर्व रखी गई। साथ ही रिजर्व रखी गई एससी और एसटीज के लिए इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन उनकी पाई जाती है उनकी प्रोपोर्शन में। साथ ही ये इंश्योर किया गया जो इलेक्शन है वो हर 5 साल पर हो, हर 5 साल बाद जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराई जाए। और साथ ही ये इंश्योर किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर जो है पंचायत के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ शेयर करें। सो दिस इज द वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर, जिसे कहा जाता है फेडरलिज्म। और हमने देखा कि फेडरलिज्म के इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं और हमारा देश किस तरह से इन सब फीचर्स को लागू करते हुए एक फेडरेशन कहलाता है, और ये एक ट्रू फेडरेशन नहीं है बल्कि एक क्वासी फेडरेशन है। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने फेडरेशन के कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।